मेरे प्रदेश से, मेरे संसदीय हलके से भाजपा की अद्भुत प्रयोगशाला से निकला हुआ निर्माण आज इस देश को, इस प्रदेश को और मेरे संसदीय क्षेत्र को शर्मसार कर रहा है। अज्ञानता और अहंकार के नशे में परिपूर्ण भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत जी आए दिन जिस तरह के विचारों को जनता के बीच में फैला रही है, जिस तरह की भ्रांतियां, जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल वो कांग्रेस के प्रति कर रही है, कांग्रेस के नेताओं के प्रति कर रही है, वो असहनीय भी है और एक महिला होने के नाते उनके प्रति अशोभनीय भी है। कंगना जी को बखूबी पता है कि हिमाचल की जनता शिक्षित है, यहाँ के लोग विकास को तहरीज देते हैं, फिर वो विकास चाहे शिमला से स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की अगुवाई में समूचे हिमाचल का हो या वो विकास एक क्षेत्र विशेष पर आधारित जयराम जी का हो, इसलिए हिमाचल की जनता को ठगना अनिवार्य है। उसी तर्ज पर भाजपा ने अपनी प्रयोगशाला से प्रज्ञा ठाकुर की तरह कंगना रनौत जी को अपना टिकट दे करके अपना उम्मीदवार बना डाला है और कंगना जी उस किरदार को बखूबी निभा भी रही है। राष्ट्रीय मंचों पर वो बड़ी शान से एक बोल डालती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी अज्ञानता का स्तर देखिए, पटेल जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया, सिर्फ इस वजह से कि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। वो भी वो उस सरदार पटेल को बोल रही है जो सरदार पटेल लंदन से लॉ करके आए हैं। ये उनकी अज्ञानता का स्तर है। 2014 में उन्हें आज़ादी मिली, उससे पहले जो इस देश में घटित हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ एक भीख का परिणाम था, ये शहीदों का अपमान था, 18 साल के उस खुदीराम बोस का अपमान था, 1948 में शहीद हुए बापू गांधी का अपमान था, भगत सिंह हो या सुखदेव हो, हर उस क्रांतिकारी का अपमान था जिसने अपने खून और पसीने का एक एक कतरा इस देश की स्वतंत्रता के नाम पर न्यौछावर किया था। कंगना जी खुद जिस हलके से आती है उस हलके में अनेकों स्वतंत्रता सेनानी है, उनके खुद के परदादा स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, उनके दादाजी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और वो कहती है कि आज़ादी भीख में मिली है, कांग्रेस अंग्रेजों का अंश है। वो बताएं कि उनके दादाजी किसके अंश थे, वो बताएं कि उनके परदादाजी स्वतंत्रता सेनानी जिस स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ रहे थे वो उन्हें भीख में मिला या उन्होंने वो आज़ादी हक से हासिल की थी। तो ये कंगना जी के बिगड़े बोल है। उन्हें पता है कि विकास के नाम पर उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। महंगाई के मामले में हम दुनिया में अव्वल होते जा रहे हैं, बेरोजगारी में हमारा डंका विदेशों में बज रहा है। कंगना जी प्रज्ञा ठाकुर की तर्ज पर जो मुंह में आया है वो बरगलाने की पूरी कोशिश कर रही है। जिस तरह प्रज्ञा ठाकुर ने मुंबई के शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया था, सदन में बापू गांधी का अपमान किया था और गोडसे को देशभक्त बताया था, उसी तर्ज पर कंगना को आज़ादी भीख में मिली है, उसी तर्ज पर कंगना मोदी जी को देव पुरुष बताती है। आज एक इंसान को देवता बनाने के चक्कर में ये समाज मुर्दा हो चुका है। मैं अपने शब्दों को अपनी चंद पंक्तियों के साथ विराम दूंगा कि जो फकीर बन के आया है वो फकीर नहीं, लुटेरों का सरदार है, मित्रों मित्रों कहने वाला अंबानी और अंडानी का यार है, 2 करोड़ नौकरियों का वादा था आज पकौड़ा बना रोजगार है, 250 का सिलेंडर 1200 के पार है। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।